मणिपुर की घटना को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ झज्जर में सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मोर्चा खोलते हुए शहर की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी संगठन लघु सचिवालय पहुंचे, जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मिड डे मील यूनियन की प्रधान सरोज दुजाना ने कहा कि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इस घटना को लेकर महिला कर्मचारियों में भी काफी रोष है। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। अगर सरकार दोषियों को फांसी की सजा नहीं देती तो आने वाले चुनाव में वोट की चोट से सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का काम होगा। आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांगे आपने रखी है? आज हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री प्रधान मोदी को नरेंद्र मोदी जी नहीं लगाएंगे आज हम, क्योंकि जी लगाने के तो लायक ही नहीं रहा। जो ये घटना हुई है मणिपुर के अंदर, है 3 महीने से नेट बंद कर रखा था ताकि किसी देश को पता नहीं चले, लेकिन वो घटना थी वो तो क्योंकि कैद हो रखी थी, वो नेट के कारण बंद थी। वो जैसे नेट खुला है वो घटना सारे देश में फैल गई, और इस मोदी को डूब के मर जाना चाहिए जो ये 56 इंच का सीना तान के वोट लेके गया था कि मैं देश में अच्छे काम करूंगा, बहन बेटियों की सुरक्षा करूंगा, लेकिन इन्होंने नहीं की। और जो ये बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रखा है, इस पे इन्होंने पोछा मरवाना चाहिए। और इस देश की अगर जो ये सुरक्षा नहीं कर सकता तो हम इसको वोट की चोट से भी और वैसे भी इसको सत्ता में नहीं रहने देंगे। आज किसको ज्ञापन दिया है? आज हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है। क्या मांग रखी है? यही मांग है कि एक तो उनको जो जिन्होंने ये घटना की है, रेप किया है, मारा गया, उनको फांसी दी जाए तुरंत। और जो वहाँ का मुख्यमंत्री है मणिपुर का, उसको तो डूब के मरना चाहिए। वो कैसे कैसे जिंदा, हम ये पूछना चाह रहे हैं, 3 महीने से इस दर्द को कैसे सहन कर रहा है? हमारे को जैसे पता चला है हमारे से ये दर्द सहन नहीं हो रहा। कर्मचारियों ने अपनी संगठन की मांगों को लेकर भी जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। झज्जर से जगदीप राजियान, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।